मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि बाबर साहब हमारे बीच वो शीशा हैं। क्या बात है। बहुत मुबारकबाद बाबर साहब को, उनकी अम्मी तलत इमाम साहिबा, सानिया जान साहिबा और उनके बेटे और उनकी टीम में जो भी लोग उनके साथ हैं, बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। और मैंने अभी अभी, मेरी बहुत पुराने ताल्लुकात तो नहीं हैं, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि सानिया मैम मेरे बच्चे की टीचर थी सेंट माइकल्स हाई स्कूल में, बेटा मेरा अभी पास आउट कर गया है, तो मेरी मुलाकात उनसे तभी हुई। और मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, अगर आप किसी चीज़ को दिलो जान से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो मेरा यहाँ होना एक इत्तफाक कहिए या मेरी दिलचस्पी कहिए या उस कायनात का जो चक्कर चला है वो कहिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले ये जो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ रस्म इजरा में बाबर साहब की, मेरी मुलाकात सानिया मैम से किसी जगह पे हुई और उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है शाहिना, और मैंने, और सही बात है हम लोग नहीं जानते हैं, आप में से भी बहुत लोग हैं LIC में हैं भैया, और बहुत सारे लोग अलग अलग साइंटिस्ट हैं भैया, अमिताभ जोशी भैया, तो वी डोंट नो बट वी हैव इंटरेस्ट, सेम इज़ विथ मी। आई एम एन एजुकेशनिस्ट फ्रॉम हार्ट बाई प्रोफेशन एंड वी नो वी यूजली डोंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन। हमारे दो स्कूल्स हैं, BEd कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो मुझे लगता है कि ये जो दिलचस्पी है मेरी वो मुझे यहाँ खींच लाई है, आप लोगों के बीच में, इतने इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में। और मुझे जब सानिया मैम ने कहा कि आप कुछ बोलिए, तो मैंने कहा कि ठीक है जल्दी से मुझे थोड़ी सी ये किताब दे दीजिए, फरेब रंगबू, जो आज जिसका इजरा है, और मैंने सोचा मैं इसमें से कुछ पढ़ दूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी भैया ने कहा, नूर भैया ने, नूर सादत भैया ने, कि क्या पढ़ूं। एक पढ़ा तो लगा ये अच्छा है, फिर वर्क उल्टा तो लगा कि अरे ये तो और भी अच्छा है, और फिर और पढ़ा तो लगा ये तो और भी अच्छा है। तो बहुत खूबसूरत कलाम आपने इस किताब में लिखा है, और साथ में आपको बहुत मुबारकबाद आपकी टीम के साथ और जिन लोगों ने भी इस बुक की एडिटिंग में और इसको पब्लिश करने में हेल्प की है, सभी लोगों को बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में, जैसे कि आफीफ भाई कह रहे थे। रेडियो उर्दू के लिए भी मैं दो लफ्ज़ बोलना चाहूँगी, पटना में रह के मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ूं, बट मैं मजबूर हूं, थोड़ी मसरूफियात है, लेकिन धीरे धीरे मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो रही हैं, तो उम्मीद है मैं जुड़ूंगी ज़रूर अच्छे से इंशाल्लाह। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो है जिसकी बहुत ज़रूरत है हमें, है और भी प्लेटफॉर्म्स है, बट मैं कहना चाहूँगी थोड़ा मुझे कमर्शलाइज लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो फील नहीं आती है, शुरुआत वैसे होती है बट इट गोज़ ऑन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो मेरे बहुत मुबारकबाद रेडियो उर्दू के लिए भी, आप लोग सभी को, रेडियो उर्दू की टीम को। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपकी एक गज़ल पढ़ना चाहूँगी, इजाज़त है। सच बात अगर है तो बता क्यों नहीं देते, सच बात अगर है तो बता क्यों नहीं देते, अफवाह अगर है तो उड़ा क्यों नहीं देते, क्यों जुल्फ को करते नहीं शानों पे परेशान, क्यों जुल्फ को करते नहीं शानों पे परेशान,
सावन है तो सावन की घटा क्यों नहीं देते। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब तब का लगा रहता है धड़का मेरे दिल को। क्या बात। अब तब का लगा रहता है धड़का मेरे दिल को, अहबाब मेरे मुझको दगा क्यों नहीं देते। क्या बात है, वाह 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 वाह। साहिल पे तमाशाई भी अब कौन बचा है, साहिल पे तमाशाई भी अब कौन बचा है, ऐ ना खुदा तुम मुझको डुबा क्यों नहीं देते। ऐ ना खुदा तुम मुझको डुबा क्यों नहीं देते। जो दामने हस्ती पे लगा हूँ मैं अजल से, जो दामने हस्ती पे लगा हूँ मैं अजल से, हूँ दाग तो फिर दाग मिटा क्यों नहीं देते। हूँ दाग तो फिर दाग मिटा क्यों नहीं देते। क्या संगे मलामत के लिए छोड़ रखा है, क्या संगे मलामत के लिए छोड़ रखा है, दीवाने को सहरा की फिजा क्यों नहीं देते। वो जख्म तुम्हारे थे जो सीने पे लिए हैं, वो जख्म तुम्हारे थे जो सीने पे लिए हैं, इस अज़्म पर बाबर को दुआ क्यों नहीं देते। इस अज़्म पर बाबर को दुआ क्यों नहीं देते। बहुत बहुत दुआएं, नेक ख्वाहिशात, बहुत शुक्रिया। आप बहुत आगे बढ़ें और मैं आपकी दूसरी बुक लॉन्च में भी जल्द आऊँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।